राधे राधे आप सभी को। अब चलिए जी, अब हम सेक्शन 167 से रिलेटेड एक रीसेंट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट केस है, शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा। भीमा कोरेगांव केस। सुना है नहीं सुना इसके बारे में? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 167 से रिलेटेड दो तीन पॉइंट हेल्ड किए। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। इस केस का नाम क्या है? गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। गौतम नवलखा वर्सेस एनआईए, पॉपुलरली नोन एज भीमा कोरेगांव केस। 2018 का केस है, शायद आपको पता भी होगा। महाराष्ट्र में 2018 में काफी वायलेंस हुई थी, याद है या नहीं याद? चलिए कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू। अच्छा, ईयर ऑफ जजमेंट क्या है? 2021 सुप्रीम कोर्ट। बेंच कंप्राइजेस जस्टिसेस यू ललित एंड KM जोसेफ। ओके, चलिए अब इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं जी। देखो जी, भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट के आगे तीन चार मेटल इश्यूज अराइज हुए। नंबर वन, क्या सेक्शन 167 में रिमांड ऑर्डर केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही पास कर सकता है या फिर सुपीरियर कोर्ट जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये सब भी सेक्शन 167 में रिमांड ऑर्डर पास कर सकते? ठीक है। सेकेंड इश्यू वॉज, क्या ब्रोकन पीरियड को हम 60 या 90 दिनों के पीरियड को कंप्यूट करते समय कैलकुलेट करेंगे? क्या ब्रोकन पीरियड को हम 60 या 90 दिनों के पीरियड को कंप्यूट करते समय काउंट करेंगे? अभी ब्रोकन पीरियड क्या होता है इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड द थर्ड इश्यू इज, क्या सेक्शन 167 में एक्यूज को जेसी या पीसी के अलावा कोई और कस्टडी भी दी जा सकती है? क्या सेक्शन 167 में एक्यूज को हाउस अरेस्ट भी दिया जा सकता है? और यदि हां तो क्या हाउस अरेस्ट के पीरियड को 60-90 दिनों के पीरियड को कैलकुलेट करते समय कंप्यूट करेंगे? तो ये कुछ मेटेरियल इश्यूज इस केस में अराइज हुए। ठीक है। अब देखो, इन सभी इश्यूज को हम फैक्चुअल सिचुएशन को लेकर समझेंगे। ऑलराइट, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा। मान के चलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 167 में एक्यूज को रिमांड का ऑर्डर दे दिया जी। ठीक है। लेट सपोज JM ने सेक्शन 167 में एक्यूज को रिमांड का ऑर्डर दे दिया। अब एक्यूज सेक्शन 439 में हाईकोर्ट चला गया जी। एक्यूज वेंट टू हाईकोर्ट अंडर सेक्शन 439। अब हाईकोर्ट ने JM का रिमांड ऑर्डर पलट दिया और एक्यूज को बेल ग्रांट कर दिया। ठीक है। हाईकोर्ट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ रिमांड एंड ग्रांटेड बेल टू एक्यूज। ठीक है। अब क्या हुआ जी, एक्यूज जिसे रिमांड पर भेजा गया था उसे बेल पर रिलीज कर दिया गया। अब हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। नाउ दिस ऑर्डर ऑफ हाईकोर्ट इस चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर रिवर्स कर दिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द बेल ऑर्डर, रिवर्स द बेल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट।
दैट मीन्स नाउ द ओरिजिनल ऑर्डर पास बाय द मजिस्ट्रेट इज रिवाइव. तो अब मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर है वो फिर से इफेक्ट में आ गया. तो अब टेक्निकली अगर आप देखो तो यहां रिमांड ऑर्डर किसने पास किया? सुप्रीम कोर्ट ने, है ना भाई. जेएम ने रिमांड का ऑर्डर पास किया बट हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने ही तो उस रिमांड के ऑर्डर को कंफर्म किया. यानी टेक्निकली अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो इस रिमांड के ऑर्डर को पास किया है. बात समझ में आ रही है भाई? आप खुद लॉजिक सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट रिमांड ऑर्डर पास नहीं करता तो क्या जेएम का रिमांड ऑर्डर प्रिवेल करता? नहीं ना. क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को पलट दिया था. तो टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ने ही तो रिमांड के ऑर्डर को पास किया. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो रिमांड ऑर्डर था वो रिवाइव हो गया और अब एक्यूज को फिर से कस्टडी में भेज दिया गया. मान के चलिए पुलिस कस्टडी का टाइम पीरियड ओवर हो चुका था तो एक्यूज को फिर से जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया. और यदि मजिस्ट्रेट ने ओरिजिनली उसे जुडिशियल कस्टडी दी थी तो उसे वापस जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया. ओके, तो यहां तक सिचुएशन क्लियर है? कोई डाउट? वेरी गुड. अब हम इसी एग्जांपल को लेकर इस पूरे टॉपिक पर क्लियरिटी लेके आएंगे. ठीक है, इस एग्जांपल को याद रखना. तो देखो इस एग्जांपल में क्या हुआ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक्यूज को रिमांड पर भेज दिया. अब मान के चलिए एक्यूज जो था वो 10 दिन कस्टडी में रहा. ठीक है, अब हाई कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रिमांड ऑर्डर को पलट दिया और एक्यूज को बेल ग्रांट कर दी. तो अब 10 दिनों के बाद एक्यूज जो है वो बेल पर रिलीज हो गया. अब कुछ दिनों तक के लिए वो बेल पर रहा. अब कुछ दिन बाद जब हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और 21 को वापस कस्टडी में भेज दिया. अब मान के चलिए अब 21 ने 80 दिन जुडिशियल कस्टडी में कंप्लीट कर लिए. ठीक है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर को रिवर्स किया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर वापस इफेक्ट में आ गया तो उस दिन से एक्यूज ने जुडिशियल कस्टडी में 80 दिन पूरे कर लिए. अब पुलिस ऑफिसर जो है वो चालान फाइल नहीं कर पाया और 81वें दिन ऑन द 81st डे एक्यूज ने डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन मूव कर दी. एक्यूज ने क्या किया? एक्यूज ने कोर्ट में डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन मूव कर दी. अब इस मूवमेंट पर दो मेटेरियल क्वेश्चन अराइज हुए. प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज की डिफॉल्ट बेल की प्ली को रिजेक्ट करते हुए ये कंटेंशन रेज किए. नंबर 1 कि जनाब सेक्शन 167 स्टेट्स की जो रिमांड ऑर्डर है वो केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही पास किया जाना चाहिए, तभी हम 60 या 90 दिनों का पीरियड कैलकुलेट करेंगे. और इस केस में जो रिमांड ऑर्डर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पास नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है. और 80 दिन एक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कस्टडी में बिताए हैं, ना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर. इसलिए सेक्शन 167 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती. देयरफॉर एक्यूज शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिलीज ऑन डिफॉल्ट बेल. ठीक है, तो पहला इश्यू फ्रेम हो गया जी. फर्स्ट इश्यू वाज वेदर 80 डेज पीरियड ऑफ कस्टडी विच वाज अपॉन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड बी कैलकुलेटेड इन 90 डेज शुड बी कैलकुलेटेड वाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 90 डेज. इन नटशेल वेदर कस्टडी अंडर सेक्शन 167 कैन बी ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट. वेदर
कस्टडी अंडर सेक्शन 167 कैन बी ग्रांटेड बाय सुप्रीयर कोर्ट। तो चलिए पहले इस इश्यू को डील करते हैं। अच्छा, इस इश्यू को डील करने से पहले आप मेरे को बताइए कि एज अ जज आपको इस मैटर में क्या लगता है, क्या आप प्रोसिक्यूशन की कंटेंस से एग्री करते हो? बताइए, सोचिए, थोड़ा सा खुद भी अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके सोचिए, क्या प्रोसिक्यूशन ने जो प्ली उठाई है क्या ये वैलिड है? चलिए देखते हैं। तो देखो जी, कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की इस कंटेंशन को डिसमिस करते हुए ये हेल्ड किया कि बेसक से सेक्शन 167 ये कंटेम्पलेट करता है कि जो रिमांड देने की जो पावर है वो केवल जेएम ही एक्सरसाइज कर सकता है, बट सुप्रीयर कोर्ट्स कैन आल्सो पास सच ऑर्डर। ठीक है, सुप्रीयर कोर्ट्स कैन आल्सो पास सच ऑर्डर। तो बेसिकली जो भी कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सुपीरियर है वो सभी की सभी कोर्ट्स सेक्शन 167 में रिमांड ऑर्डर पास कर सकती है, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की फर्स्ट कंटेंशन को डिसमिस करते हुए हेल्ड किया कि बेसक से हमें एग्री करते हैं कि सेक्शन 167 जो है वो ये स्टेट करता है कि जो रिमांड देने की पावर है वो केवल जेएम एक्सरसाइज कर सकता है। हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे। अगर आप सेक्शन 167 का क्लॉज 2 रीड करोगे तो उसकी फर्स्ट लाइन ये कहती है कि मजिस्ट्रेट जिसके आगे उस एक्यूज पर्सन को फॉरवर्ड किया गया है इस सेक्शन में, इस सेक्शन में मींस क्लॉज 1 में, तो जिस मजिस्ट्रेट के आगे एक्यूज पर्सन को फॉरवर्ड किया गया है उसे वो मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम कोई भी कस्टडी ऑथराइज कर सकता है, कोई भी कस्टडी ग्रांट कर सकता है। और क्लॉज 1 में एक्यूज को किस मजिस्ट्रेट के आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है? नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे। ठीक है, किस मजिस्ट्रेट के आगे? नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे। तो देखो, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि सेक्शन 167 क्लियरली स्टेट करता है कि जो रिमांड देने की पावर है वो जेएम के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की फर्स्ट कंटेंशन को डिसमिस करते हुए हेल्ड किया कि बेसक से हमें एग्री करते हैं कि सेक्शन 167 जो है वो ये स्टेट करता है कि जो रिमांड देने की पावर है वो केवल जेएम एक्सरसाइज कर सकता है। हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे, बट सुपीरियर कोर्ट्स कैन आल्सो पास सच ऑर्डर। ऑलराइट, और देखो लॉजिकली भी अगर आप सोचो तो यही होता है, लोअर कोर्ट के पास जो पावर है वो सुपीरियर कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ना? ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो पावर लोअर कोर्ट एक्सरसाइज करता है वो पावर सुपीरियर कोर्ट में इनहेरेंट होती है। ठीक है, और देखो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन ये बात पहले से जानते होंगे कि कोर्ट उनकी ये कंटेंशन डिसमिस कर देगी, क्योंकि इंप्लाइड है यार, लोअर कोर्ट के पास जो भी पावर्स हैं वो सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन फिर भी ये सब चीजें जानते हुए भी प्रोसिक्यूशन ने 21 की डिफॉल्ट बेल को कैंसिल करने के लिए ये प्ली कोर्ट में रेस कर दी। उन्होंने बेरक के एक शब्द को पकड़ा और उसी के ग्राउंड पर 21 की डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन को डिसमिस करने के लिए कोर्ट में कंटेंशन रेस कर दी। समझ रहे हो? तो देखो, इसी तरह की स्मार्टनेस आपको कोर्ट में एक्सरसाइज करनी है। ऐसे ही आपको बेरक का एक एक वर्ड पकड़ के अपनी वकालत करनी है भाई, तभी तो आप एक बेहतरीन वकील बन पाओगे। भाषण में आ रही है? कितनी चतुर चालाकी से वकील साहब ने उस पर्टिकुलर वर्ड को पकड़ा और कोर्ट में उस पर्टिकुलर वर्ड के ग्राउंड पर एक्यूज के डिफॉल्ट बेल के ग्राउंड को कैंसिल करने के लिए कंटेंशन रेज कर दी। तो देखो, ऐसे ही इंटेलिजेंटली आपको अपने केस को कोर्ट के आगे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब देखो, ये तो था जी हमारा पहला इशू। अब हम सेकेंड इशू को देखते हैं। अब वकील साहब ने कोर्ट में एक नया दाव खेला। अब उन्होंने कोर्ट में यह ऑब्जेक्शन रेज किया कि क्या 60-90 दिनों की पीरियड को कैलकुलेट करते समय ब्रोकन पीरियड ऑफ कस्टडी को काउंट किया जाएगा?
क्या 60-90 दिनों के पीरियड को कैलकुलेट करते समय ब्रोकन पीरियड ऑफ कस्टडी को काउंट किया जाएगा? ये 60-90 दिन सिर्फ कंटिन्यूअस पीरियड होने चाहिए या ब्रोकन पीरियड भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? अब देखो, पहले तो आप ये समझ लो कि ब्रोकन पीरियड क्या होता है। देखो, इस केस में क्या हुआ, मजिस्ट्रेट ने एक्यूज को कस्टडी ग्रांट की। एक्यूज जो था वो 10 दिन कस्टडी में रहा, उसके बाद हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का रिमांड ऑर्डर कैंसिल कर दिया और एक्यूज को बेल दे दी। अब एक्यूज कुछ दिन बेल पर रहा, लेट सपोज एक्यूज 20 दिन बेल पर रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया और मजिस्ट्रेट के रिमांड ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। अब एक्यूज ने कस्टडी में 80 दिन कंप्लीट कर लिए, तो अभी जो 90 दिन का पीरियड था ना, ये ब्रेक हो गया। वसन में आ रही है, हो गया कि नहीं हो गया? भाई देखो, एक्यूज शुरू के 10 दिन कस्टडी में रहा, ठीक है, फिर उसके बाद 20 दिन वो बेल पर रहा, फिर उसके बाद 80 दिन वो दोबारा कस्टडी में रहा, तो ये जो 90 दिनों की कस्टडी का पीरियड था ये ब्रेक हो गया, ये कॉन्टिन्यूस 90 दिन की कस्टडी नहीं रही। 10 दिन कस्टडी, फिर उसके बाद 20 दिन बेल, फिर उसके बाद 80 दिन कस्टडी, दैट मींस एक्यूज ने कॉन्टिन्यूसली 90 दिन कस्टडी में नहीं बिताए। कस्टडी, बेल, देन अगेन कस्टडी, इसका मतलब 90 दिन की जो कस्टडी का पीरियड था ये ब्रेक हो गया, ठीक है। तो वकील साहब ने कोर्ट में नया दाव खेलते हुए कहा कि जनाब 90 दिन एक साथ कॉन्टिन्यूसली कंप्लीट नहीं हुए, ये तो ब्रेक कर करके कंप्लीट हुए, एंड देयरफॉर फ्रेश पीरियड ऑफ कस्टडी शुड बिगिन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और फ्रेश पीरियड के हिसाब से 21 को कस्टडी में रहते हुए अभी केवल 80 दिन ही हुए, तो इसलिए 21 के डिफॉल्ट बेल का राइट डिसमिस कर दिया जाए। तो वकील साहब की शार्पनेस देख रहे हो, कितनी ब्रिलियंटली उन्होंने एक एक चीज को पकड़ा है, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बाल की खाल निकाल दी, उन्होंने बेरक के इंटरप्रिटेशन को कितने बेहतरीन तरीके से कोर्ट के आगे रखा है। भाई तभी तो दे आर पेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एक एक हियरिंग की फीस उनकी 4-4, 5-5 लाख रुपए है, कोई भी क्लाइंट 5-6 लाख रुपए उन्हें यूं ही तो देगा नहीं, उस वकील में कुछ ना कुछ बात तो होगी। भाई आप खुद सोचिए, अगर क्लाइंट किसी एडवोकेट को 5-6 लाख रुपए पर हियरिंग दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात उसमें जरूर होगी, है ना, 5-6 लाख वर्थ होंगे तभी वो क्लाइंट उसको दे रहा है, अदरवाइज यू आर ऑल्सो वेल एक्विंटेड दैट आर कोर्ट इज वेल ऑक्यूपाइड विद एडवोकेट्स। तो देखो, मेरा कहना यही है कि आप चाहे जज बनो चाहे आप वकील साहब बनो, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लेवल आपका होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि आप एक एक पॉइंट को पकड़कर, बेरक के एक एक वर्ड को पकड़कर पूरे केस का पासा पलट दें। ओके, आफ्टर ऑल सीनियर एडवोकेट विकास पावा सेड, इन क्रिमिनल मैटर्स सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ लॉयर डिपेंड्स अपॉन हाउ अर्ली ही कैन गेट बेल, एंड दैट इज वेरी ट्रू। एनीवेज, वापस आते हैं। सो अनदर इश्यू वॉज फ्रेम्ड इन दिस केस। नेक्स्ट इश्यू वॉज कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने से यदि कस्टडी का पीरियड ब्रेक हो जाता है तो क्या ये ब्रोकन पीरियड ऑफ 90 डेज शुड बी काउंटेड टू कंप्लीट 90 डेज? भाई हाई कोर्ट के इंटरवीन से कस्टडी का जो 90 दिनों का पीरियड था ये ब्रेक हो गया, तो सवाल ये उठा कि क्या ये ब्रोकन पीरियड ऑफ 90 डेज शुड बी काउंटेड टू कंप्यूट 90 डेज, या केवल कॉन्टिन्यूस 90 डेज का पीरियड ही काउंट किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद या सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एक्यूज को फ्रेश 90 डेज कस्टडी में रहना होगा, दैट इज बचे हुए 80 दिन नहीं बल्कि पूरे 90 दिन कस्टडी में रहना होगा। तो देखो, कोर्ट ने रूल किया दैट ब्रोकन पीरियड शैल बी कंप्यूटेड एंड अपॉन द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, upon the intervention of superior court, fresh period of custody shall not begin.
समझ में आई? दैट इज सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कस्टडी फर्स्ट डे से शुरू नहीं होगी, दोबारा से फर्स्ट डे से कस्टडी बिगिन नहीं होगी, बल्कि वो पुरानी कस्टडी से ही कंटिन्यू रहेगी। सो इन द अबव एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद कस्टडी फर्स्ट डे से शुरू नहीं होगी बल्कि 11th डे से शुरू होगी। 11th डे क्यों? क्योंकि शुरू के 10 दिन वो ऑलरेडी कस्टडी में रह चुका था। भाई देखो सीन क्या था, मजिस्ट्रेट ने एक्यूज को रिमांड ऑर्डर किया, एक्यूज को रिमांड पर 10 दिन हो गए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया और एक्यूज को बेल ग्रांट कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और वापस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था वो इफेक्ट में आ गया। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो कस्टडी है वो फिर से फर्स्ट डे से काउंट नहीं होगी बल्कि 11th डे से काउंट होगी। ओके, दैट मींस 10 प्लस 80 इज इक्वल टू 90 डेज एंड नॉट फ्रेश पीरियड ऑफ 90 डेज विल बिगिन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आई गेस ये दोनों इशू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब चलिए अब हम इनकी एक बार रीडिंग दे लेते हैं। सो केस का नाम क्या था? गौतम नवलखा वर्सेस एनआईए, पॉपुलरली नोन एज भीमा कोरेगांव केस। बेंच कंप्राइजेस जस्टिस यूयू ललित एंड जस्टिस केएम जोसेफ। So one of the contention raised in this case was that the order passed by the High Court of Delhi is not one passed under Section 167 of the CRPC for the reason that what the CRPC contemplates is an order passed by the magistrate. Therefore, the court considered the issue whether a court other than a magistrate can order remand under Section 167 CRPC. Another connected issue considered was whether broken period of custody otherwise traceable to Section 167 CRPC sufficient to piece together the total maximum period of custody permitted beyond which the right to revolt bail arises or whether the lawgiver has envisaged only custody which is continuous. तो ये दो material issue इस case में arise हुए। अब court ने क्या held किया इसको देख लेते एक बार। The court explained the answer to this issue by way of two illustrations. ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बस हमें यहाँ इसकी इंग्लिश में एक बार रीडिंग दे रहे हैं। ओके, लेट अस टेक अ केस वेयर अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर रिमांड अंडर सेक्शन 167 एंड एट द सेम टाइम ही आल्सो रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर बेल प्रेफर्ड बाय द एक्यूज्ड। द एक्यूज्ड अप्रोचेस द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। द कोर्ट रिवर्सेस द ऑर्डर एंड ग्रांट्स हिम बेल। द एक्यूज्ड हु वाज सेंट टू कस्टडी मींस पुलिस कस्टडी और जेसी इज ब्रॉट आउट ऑफ हिज कस्टडी एंड इज रिलीज ऑन बेल पर्सुइंग टू द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। This order is challenged before the apex court. The apex court now reverses the order granting bail. The original order passed by the magistrate is revived. It is apparent that the accused goes back to custody. Since assuming that the period of 15 days is over and plus custody is not permissible, he is sent back to JC. Equally, if he was already in JC, the order granting judicial custody is revived. Let us assume in the illustration that the accused was in custody only for a period of 10 days and after the order passed by this court and the accused who spent another 80 days, he complete, in other words, a total period of custody of 90 days, adding the period of custody he suffered consequent upon the remand by the magistrate. That is, by piecing up these broken period of custody, the statutory period of 90 days entitling the accused to default bail is reached. Can it be said that the order of this court granting custody should not be taken into consideration for calculating the period of 90 days upon completion of which the accused can set up a case for default bail? We would think that the mere fact is that it is the apex court which exercised the power to remand, which was wrongly appreciated by the High Court in the illustration, would not detract from the custody being authorized under Section 167. The power under Section 167 of CRPC can also be exercised by courts which are superior to the magistrate. The Supreme Court held in the judgment dismissing appeal filed by jail activist Gautam Navlakha seeking default bail in the Bhima Koregaon case. The bench comprising Justice U. Lalit and K. M. Joseph observed thus in the judgment, though the power is vested with the magistrate to order remand by way of appropriate jurisdiction exercised by the superior courts, it would in fact include the court of session acting under Section 439. The power under Section 167 would also be exercised by the courts which are superior to the magistrate. The court added that such custody order by the superior courts would be the custody for the purpose of calculating the period within which the charge sheet must be filed.
फेलिंग विद द एक्यूज एक्वायर्स द स्टेटरी राइट टू डिफॉल्ट बेल. ब्रोकन पीरियड ऑफ कस्टडी कैन बी काउंटेड वेदर कस्टडी इज सफर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और सुपीरियर कोर्ट. देयरफॉर While ordinarily the magistrate is the original court which would exercise power to remand under section 167, the exercise of the power by the superior court which would result in custody being ordered ordinarily police or judicial custody by the superior court which include the high court would indeed be the custody for the purpose of calculating the period within which the charge sheet must be filed, failing with the accused acquires the stated right to default bail. We have also noticed the observation of this court in AIR 1962 Supreme Court. Line aap chhod sakte ho. In such circumstances, broken period of custody can be countered whether custody suffered by the order of magistrate or superior courts if investigation remained incomplete after the custody, whether continuous or broken period pieced together reaches the required period, default bail becomes the right of detained person. तो लास्ट लाइन ने क्या कहा, चाहे कंटिन्यूस पीरियड हो या ब्रोकन पीरियड हो, जब ये आपस में मिलकर रिक्वायर्ड पीरियड बना देते हैं, रिक्वायर्ड पीरियड मींस 90 या 60 दिन, तो जब ये 90 या 60 दिन बना देते हैं तो जो डिफॉल्ट बेल होता है वो एक्यूज पर्सन का स्टैट्यूटरी राइट बन जाता है. तो इन दोनों मेटल इश्यूज का आंसर जो है वो इन दोनों ही स्लाइड में दिया हुआ है. ओके, यहां से लेकर यहां तक और इसके बाद ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, इसको आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, अब चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मेटल इश्यू को आंसर करते समय दो इलस्ट्रेशन प्रोवाइड किए थे, है ना, हमने पढ़ा था ना. द कोर्ट एक्सप्लेन द आंसर टू दिस इश्यू बाय वे ऑफ टू इलस्ट्रेशंस. तो इस दूसरे इलस्ट्रेशन को ही हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, तो चलिए रीड कर लेते एक बार, कमेंट करके इसका आंसर बताना है आप लोगों को. आफ्टर ऑर्डरिंग रिमांड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ विच 10 डेज इज बाय वे ऑफ पुलिस कस्टडी एंड 5 डेज बाय वे ऑफ जुडिशियल कस्टडी द मजिस्ट्रेट एनलार्जेस एंड एक्यूज ऑन बेल. आफ्टर 10 डेज ऑफ एंजॉइंग बेल द हाई कोर्ट इंटरफेयर्स विद द ऑर्डर ग्रांटिंग बेल ऑन द बेसिस दैट द बेल ऑट नॉट टू हैव बीन ग्रांटेड. रिजल्टेंटली द पर्सन हु ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ बेल हैज कम आउट ऑफ जेल कस्टडी इज पुट बैक इनटू द जुडिशियल कस्टडी और जेल कस्टडी. The order is when passed by the High Court. After completion of 75 days, the accused claim default bail on the ground that PO has failed to submit the charge sheet within the stipulated time period. Prosecution raises objection that since the order is passed by the High Court and not the JM, therefore condition of section 167 is not fulfilled and accused is not entitled to release on default bail. He further claims that custody under section 167 must be continuous custody and not broken custody. Frame the issue and decide the matter. तो आई गेस ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा. चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का इश्यू फ्रेम करिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए. चलिए कमेंट करिए फटाफट. अब चलिए जी, अब हम इस केस के तीसरे इश्यू को पकड़ते हैं. थर्ड इश्यू क्या था कि क्या एक्यूज को सेक्शन 167 में जेसी या पीसी के अलावा कोई और कस्टडी दी जा सकती है. कि क्या सेक्शन 167 में एक्यूज को हाउस अरेस्ट दिया जा सकता है. चलिए रीड करते हैं. द कोर्ट इन इट्स जजमेंट कंसिडर्ड वेदर देयर कैन बी एन ऑर्डर फॉर कस्टडी अदर देन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी. इन अदर वर्ड्स द क्वेश्चन कंसिडर्ड वॉज वेदर हाउस अरेस्ट कस्टडी विद इन द एम्ब्रेस ऑफ सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी. तो गौतम नवलखा के केस में कोर्ट ने एक क्वेश्चन कंसीडर किया कि क्या सेक्शन 167 सीआरपीसी में पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के अलावा कोई और कस्टडी भी दी जा सकती है. या दूसरे शब्दों में कहें तो कोर्ट ने एक क्वेश्चन कंसीडर किया कि क्या हाउस अरेस्ट कस्टडी सेक्शन 167 सीआरपीसी के एम्ब्रेस में आती है. चलिए रीड करते हैं. द बेंच ऑफ जस्टिसेस यूयू ललित एंड केएम जोसेफ वॉज कंसिडरिंग द अपील फाइल बाय गौतम नवलखा भीमा कोरेगांव केस इन विच इट कंसिडर द क्वेश्चन वेदर द पीरियड ऑफ 34 डेज स्पेंड इन हाउस अरेस्ट बाय द अपीलेंट इज टू बी काउंटेड टुवर्ड्स द पीरियड ऑफ 90 डेज अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी. तो भीमा कोरेगांव केस में ऑनरेबल जस्टिस यू ललित एंड के एम जोसेफ ने यह क्वेश्चन कंसिडर किया कि क्या 34 दिन
जो गौतम नवलखा जी ने हाउस अरेस्ट में गुजारे, क्या इस 34 दिन के पीरियड को 60 या 90 दिनों के पीरियड को कंप्यूट करते समय कैलकुलेट किया जाएगा? सो बेसिकली द क्वेश्चन इज, क्या सेक्शन 167 सीआरपीसी में हम जेसी या पीसी के अलावा और कोई कस्टडी दे सकते हैं, यानी क्या हम एक्यूज को हाउस अरेस्ट दे सकते हैं? एंड सेकेंड इज, क्या हाउस अरेस्ट के पीरियड को 60 या 90 दिनों के पीरियड को कंप्यूट करते समय कैलकुलेट किया जाएगा? पीरियड ऑफ हाउस अरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड इन 60 और 90 डेज। तो ये दो क्वेश्चन इस केस में उठे। अब चलिए रीड करते हैं। The court noted that in India, the concept of house arrest has its roots in laws providing for preventive detention. Court ने क्या नोट किया कि भारत में house arrest की जो जड़ें हैं, वो हमें कहां से मिलती है? Preventive detention के laws से। It observed thus house arrest have been restored to in India in the context of law relating to preventive detention. तो court ने observe किया कि preventive detention के law के context में house arrest को इंडिया में restore किया जा चुका है। What is however relevant is that preventive detention is also a form of forced detention. जो preventive detention है वो क्या है? एक forced detention का form है। House arrest is also custody and forced detention. तो house arrest क्या है? House arrest भी अपने आप में एक custody है और एक forced detention है। The concept of house arrest in India has until now been recognized only with regard to preventive detention laws. तो चलिए इस sentence को और इस slide को हम समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, भारत में house arrest का जो period है, ये अब तक केवल preventive detention laws के respect में ही recognize किया जाता था, ठीक है? जो हाउस अरेस्ट का कंसेप्ट है ना, ये अब तक केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के रेस्पेक्ट में ही रिकॉग्नाइज किया जाता था। देखो यार, दो तरह के डिटेंशन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पिनिटिव डिटेंशन एंड सेकंड इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। पिनिटिव डिटेंशन क्या होता है जी? जो डिटेंशन ऑफेंस कमिट होने के बाद दिया जाता है, ठीक है, एक तरीके से पनिशेबल डिटेंशन। और वही प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है जी? जो डिटेंशन ऑफेंस कमिट होने से पहले दिया जाता है, ठीक है, बेसिकली क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए एक पर्सन को डिटेंशन दे दी गई है। जब गवर्नमेंट को डाउट होता है या सस्पिशन होता है कि कोई पर्सन जो है वो ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो ऐसे केसेस में जो गवर्नमेंट है वो उस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑथराइज कर देती है। तो अगर आपको याद हो तो जब मोदी जी की गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया था, तब महबूबा मुफ्ती को और उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किया गया था। याद है? नहीं याद? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को यह डर था कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये वहां पर 370 के स्क्रैप होने के बाद वहां अराजकता फैला सकते हैं, वहां केओस पैदा कर सकते हैं, ठीक है? तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो ऑफेंस कमिट होने से पहले दिया जाता है। जब गवर्नमेंट को डाउट या सस्पिशन होता है कि कोई पर्सन जो है वो ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो उस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑथराइज किया जाता है। तो उसके कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंडर 1975 में इमरजेंसी के टाइम सारे अपोजिशन लीडर्स को कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिटेन कर दिया था। याद है या नहीं याद? इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी के टाइम सारे अपोजिशन लीडर्स को डिटेन कर दिया था। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो लैंडमार्क केस लॉ है वो कौन सा है जी? AK गोपालन का। आई गेस अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है तो ये केस तो आपको जरूर याद होगा। AK गोपालन, मेनका गांधी, ये सारे केसेस कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम लैंडमार्क केसेस हैं। बट लेटर ऑन इस केस को 7 जज बेंच ने मेनका गांधी के केस में ओवररूल कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस केस में आर्टिकल 21 का काफी नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था। तो आई गेस अभी लाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ हाउस अरेस्ट
हैज इट्स रूट्स इन लॉज प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेज। तो वापस आते हैं जी, सेक्शन 5 ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एज स्टैट्यूट प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन कंटेम्पलेट्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इन सच प्लेस एज द गवर्नमेंट डीम्स फिट। जो सेक्शन 5 है एनएसए का, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, ये क्या प्रोवाइड करता है? स्टैट्यूट प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो क्या कंटेम्पलेट करता है? डिटेंशन ऑफ अ पर्सन उस जगह जहां पर सरकार को ठीक लगता है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, कुड द कंसेप्ट ऑफ हाउस अरेस्ट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ कस्टडी? क्या हाउस अरेस्ट का कंसेप्ट कस्टडी के एम्बिट में फॉल करता है? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का अफर्मेटिव आंसर दिया, यानी पॉजिटिव आंसर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि यस, कंसेप्ट ऑफ हाउस अरेस्ट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ कस्टडी। अब देखो थोड़ा सा हम हाउस अरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो जो एक्सप्रेशन हाउस अरेस्ट है ना, इस एक्सप्रेशन को ना तो क्रिमिनल लॉ में कहीं भी यूज किया गया है और ना ही इसे कहीं भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, हाउस अरेस्ट का हिंदी में क्या मतलब होता है? नजरबंद, या फिर घर में ही हिरासत में रहना। घर में ही हिरासत में रहना। तो देखो हाउस अरेस्ट का संधि विच्छेद करते हैं, हाउस अरेस्ट। तो हाउस मींस घर एंड अरेस्ट मींस क्या मतलब होता है अरेस्ट का? कि जो पर्सन का मूवमेंट है अब वो पुलिस ऑफिसर के कंट्रोल में है। ठीक है, तो दैट मींस पर्सन को उसके घर में ही अरेस्ट करके रखना। एक तरीके से आपने घर को ही प्रिज्यूम जेल बना दिया। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जी कौन सा? जो ना केवल भारत बल्कि पूरा का पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, एंड दैट इज लॉकडाउन। जब सबसे पहले कोरोना वायरस इंडिया में आया था, कोरोना वायरस छोड़िए वुहान वायरस कहिए, ठीक है, वुहान वायरस ज्यादा सुटेबल वर्ड लग रहा है। तो देखो जब सबसे पहले वुहान वायरस इंडिया में आया था तो 21 मार्च को सबसे पहली दफे मोदी जी ने पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया था। तो अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग के फेज में बहुत सख्ती थी भाई, उस टाइम लोग बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थी। लोगों ने समझदारी दिखाई और गवर्नमेंट के रूल्स को, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया। तो देखो आप अपना 2020 मार्च से लॉकडाउन का पीरियड याद करिए, एक बार उस टाइम पीरियड को इमेजिन करके देखिए। लॉकडाउन क्या था? लॉकडाउन बेसिकली एक हाउस अरेस्ट ही तो था, घर में रहो, है ना। तो हाउस अरेस्ट क्या होता है? हाउस अरेस्ट का मतलब भी यही होता है कि घर में रहो। बस द ओनली डिफरेंस इज लॉकडाउन में पर्सन को घर में इसलिए रहना होता है ताकि सरकार कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोक सके, ताकि जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड ना हो सके। जबकि हाउस अरेस्ट में पर्सन को घर में डिटेन करके इसलिए रखा जाता है ताकि वो कहीं वायलेंस ना क्रिएट कर दे, ताकि वो कहीं अराजकता ना फैला दे। एंड सेकेंड इज कि लॉकडाउन में जो पर्सन है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, लेकिन हाउस अरेस्ट में जो पर्सन है वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर वो ऐसा करता है, यानी अगर गवर्नमेंट उसे इंटरनेट एक्सेस अलाउ कर देती है, तो ऐसे केसेस में उसकी जो भी इंटरनेट एक्टिविटीज है वो सभी की सभी मॉनिटर की जाती है। तो बेसिकली देखो लॉकडाउन में क्या हुआ था, कुछ टाइम बाद घर एकदम जेल जैसा लगने लगा था, याद है ना। वो तो भला उस टाइम ओटीटी प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने काफी अच्छे कंटेंट उस टाइम प्रोड्यूस किए और लोग जो थे वो कहीं ना कहीं उसमें ऑक्यूपाइड रहे। ठीक है, तो लॉकडाउन क्या है जी? लॉकडाउन भी बेसिकली एक हाउस अरेस्ट ही है। अच्छा याद रखना, इस लॉकडाउन से मेरा मतलब वो लॉकडाउन है जो गवर्नमेंट ने या इंडियन सिटीजन ने मार्च 2020 से फॉलो किया था। ठीक है, जब स्टार्टिंग का फेज था ना, बिल्कुल एकदम घर के अंदर रहना, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलना। फिर उसके बाद तो देखो जैसे जैसे चीजें सुधरी, चीजें इंप्रोवाइज होने लगी, गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन में ढील देने लगी, हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ने लगे। लेकिन स्टार्टिंग फेज का जो लॉकडाउन था वो बेसिकली एक हाउस अरेस्ट ही था, है ना। और देखो इसके अलावा अगर आपने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी है, किसकी? गुड्डू भैया की। कौन सी?
हाउस अरेस्ट देखी है नहीं देखी? देखिए तो समझ गए होंगे हाउस अरेस्ट क्या होता है और क्या नहीं। बस इस मूवी के हाउस अरेस्ट में और जो गवर्नमेंट हाउस अरेस्ट ऑथराइज करती है इनमें केवल यही अंतर है कि इस मूवी में जो हमारे गुड्डू भैया थे यहां ये वॉलेंटरली हाउस अरेस्ट को ऑफ करते हैं। यहां ये लोगों से मिलना सोशलाइजेशन ये सब पसंद नहीं करते, बेसिकली काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं। तो यहां ये वॉलेंटरली हाउस अरेस्ट को चूज करते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट किसी पर्सन को हाउस अरेस्ट का ऑर्डर देती है तो वहां जो पर्सन है वो इनवॉलेंटरली उस हाउस अरेस्ट में रहता है। ठीक है, तो आई गेस हाउस अरेस्ट के बारे में अब आपको एक जनरल आइडिया मिल चुका होगा। तो एक बार रीड कर लेते हैं। चलिए, हाउस अरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड होम कन्फाइनमेंट और होम डिटेंशन। द पर्सन हु इज अंडर हाउस अरेस्ट इज अंडर द एब्सोल्यूट सर्विलेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मशीनरी। जो पर्सन हाउस अरेस्ट में होता है वो एग्जीक्यूटिव मशीनरी की प्रॉपर सर्विलेंस में होता है। ही कैन नॉट मीट पीपल, ही कैन नॉट यूज इंटरनेट। इफ ही इज अलाउड टू यूज देन हिज एक्सेस कैन बी मॉनिटर्ड। सो बेसिकली सेवरल रिस्ट्रिक्शंस आर पुट अपॉन हिम। तो क्या होता है हाउस अरेस्ट? द स्टेट ऑफ बींग केप्ट एज अ प्रिजनर इन वंस ओन हाउस रेदर देन एन अ प्रिजन। अपने घर में ही बतौर कैदी रहना बजाय जेल के अपने घर के अंदर ही कैदी की तरह जिंदगी जीना, उसी को हम क्या कहते हैं? हाउस अरेस्ट कहते हैं। हाउस अरेस्ट क्या है जी? हाउस अरेस्ट इज एन ऑल्टरनेटिव टू बींग इन अ प्रिजन। ये क्या है? जेल का एक ऑल्टरनेटिव है। और ये कब कब दिया जाता है? इन केस ऑफ सस्पिशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस, कि जब सरकार को अंदेशा है कोई पर्सन जो है वो ऑफेंस कमिट कर सकता है, वो अराजकता फैला सकता है। वाइल अवेटिंग ट्रायल, जब उस पर्सन का जो ट्रायल है वो अभी अवेटिंग है। एंड आफ्टर सेंटेंसिंग, दैट इज पोस्ट कन्विक्शन, कन्विक्शन के बाद। द पर्सन इन द हाउस अरेस्ट ऑफन डज नॉट हैव एक्सेस टू एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल आउटसाइड ऑफ द होम। जो पर्सन हाउस अरेस्ट में होता है जनरली वो पर्सन घर के बाहर के लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज अलाउड, दैट इज एक्सेस ऑफ मोबाइल, एक्सेस ऑफ इंटरनेट, देन कन्वर्सेशन कैन बी मॉनिटर्ड। ओके, तो आई गेस हाउस अरेस्ट का ये कंसेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब वापस आते हैं केस की तरफ। तो देखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि कोर्ट्स कैन ऑर्डर हाउस अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी इन अप्रोप्रिएट केसेस। कोर्ट जो है वो सेक्शन 167 में एक्यूज्ड पर्सन को अप्रोप्रिएट केसेस में हाउस अरेस्ट का ऑर्डर दे सकती है। द कोर्ट सेट कोर्ट्स कैन कंसिडर क्राइटेरिया लाइक एज, हेल्थ कंडीशन एंड द एंटीसीडेंस ऑफ द एक्यूज, द नेचर ऑफ द क्राइम, द नीड फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ कस्टडी एंड द एबिलिटी टू एनफोर्स द टर्म्स ऑफ द हाउस अरेस्ट। कोर्ट ने कहा कि जब सेक्शन 167 सीआरपीसी में एक्यूज पर्सन को हाउस अरेस्ट दिया जाएगा तो कोर्ट इन फॉलोइंग फैक्टर्स को ध्यान में रख सकती है। दैट इज कि एक्यूज की उम्र कितनी है, एक्यूज की जो हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, द एंटीसीडेंस ऑफ द एक्यूज, एक्यूज की हिस्ट्री कैसी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्या उसने पहले भी कई बार ऑफेंस कर रखा है या नहीं, द नेचर ऑफ द क्राइम, एक्यूज ने कैसा क्राइम किया है, क्या वो जो क्राइम एक्यूज ने किया है या जिसको लेकर एक्यूज को चार्ज किया गया है क्या वो हीनियस क्राइम है, क्या वो सीरियस क्राइम है, द नीड फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ कस्टडी, कि क्या एक्यूज को पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी के अलावा किसी और कस्टडी की जरूरत है, दैट इज क्या एक्यूज को हाउस अरेस्ट की जरूरत है, एंड द एबिलिटी टू एनफोर्स द टर्म्स ऑफ द हाउस अरेस्ट। तो कोर्ट सेक्शन 167 सीआरपीसी में एक्यूज को हाउस अरेस्ट देते समय इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करेगी। ओके, एज रिगार्ड पोस्ट कन्विक्शन केसेस द कोर्ट सेट दैट इट इज ओपन टू द लेजिस्लेचर टू पॉन्डर ओवर एम्प्लॉइंग हाउस अरेस्ट। पोस्ट कन्विक्शन के केसेस में यानी जब ट्रायल पूरा होने के बाद एक्यूज को कन्विक्शन दी जाती है तो ऐसे केसेस में कोर्ट ने हेल्प किया कि इट इज ओपन टू द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर के लिए ये ओपन है कि वो पोस्ट कन्विक्शन केसेस में हाउस अरेस्ट को लेकर विचार कर सकती है। ठीक है, पॉन्डर मींस टू थिंक, यानी कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर पोस्ट कन्विक्शन केसेस में हाउस अरेस्ट देना चाहिए या नहीं,
इस पर विचार कर सकती है। दस हाउस अरेस्ट कैन बी यूज एज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल कस्टडी। तो हाउस अरेस्ट को जुडिशियल कस्टडी के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब सेक्शन 167 सीआरपीसी में एक्यूज पर्सन को पीसी जेसी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के अलावा हाउस अरेस्ट दिया जा सकता है। किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए? इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। ओके, क्लियर। अब आगे रीड करते हैं। द कोर्ट इन द जजमेंट रेफर्स टू वेरियस स्टैटिस्टिक्स टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ ओवरक्राउडिंग इन प्रिजंस एंड द कॉस्ट टू द स्टेट इन मेंटेनिंग प्रिजंस। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने काफी सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए कि जो भारत की जेलें हैं, जो प्रिजंस हैं, वो ओवरक्राउड हो चुकी हैं पूरी तरह, और जो प्रिजन को मेंटेन करने की कॉस्ट आती है वो काफी एक्सपेंसिव कॉस्ट है, वो स्टेट के ऊपर एक तरीके से बर्डन ही है। देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ओवरक्राउडिंग इन जेल्स इन इंडिया। भारत की जो जेलें हैं वो काफी ओवरक्राउडिंग है, बेसिकली वो काफी कंजेस्टेड है। सेकेंडली, अ वेरी लार्ज सम दैट इज रुपीज 6818.1 करोड़, 6818 करोड़ रुपए वॉज द बजट ऑन प्रिजन। तो आप समझ लीजिए कि स्टेट का कितना पैसा जो है वो प्रिजन को मेंटेन करने में जाता है। दस बोथ दीज एस्पेक्ट्स आर रेलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट हाउस अरेस्ट ऑफर द कोर्ट नोटेड। तो ओवरक्राउडिंग ऑफ जेल, ओवरक्राउडिंग इन प्रिजंस एंड द कॉस्ट ऑफ द स्टेट टू मेंटेन प्रिजंस, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स ने कहीं ना कहीं कोर्ट को कन्विंस किया कि जो कोर्ट है तो सेक्शन 167 सीआरपीसी में एक्यूज पर्सन को जेसीपीसी के अलावा हाउस अरेस्ट भी प्रोवाइड कर सकती है। और देखो, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोना वायरस को देखते हुए कुछ केसेस में कोर्ट जो है वो एक्यूज पर्सन को हाउस अरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि जो हमारी जेलें हैं वो बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, तो इसलिए जेलों में कोरोना वायरस फैलने का बहुत ज्यादा डर है। और इसलिए आपको याद भी होगा कि लास्ट ईयर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोर्ट ने खुद काफी सारे 21 पर्सन को जेल से रिहा करने का ऑर्डर दे दिया था। तो देखो जी, इस केस से रिलेटेड जो पहला इशू है वो हमारा रिजॉल्व हो गया। पहला इशू क्या था कि क्या सेक्शन 167 सीआरपीसी में 21 को पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी के अलावा कोई और कस्टडी दिया सकती है। तो आंसर इज यस, एंड दैट इज हाउस अरेस्ट। अब जो सेकंड महत्वपूर्ण मुद्दा है वो क्या है कि क्या हाउस अरेस्ट का जो पीरियड है ये 60-90 दिनों को कंप्यूट करते समय कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम इस इश्यू को डिस्कस करते हैं। अब देखो, इस पर्टिकुलर इश्यू पे काफी एम्बिग्यूटी है। मैंने अपने नोन में काफी सारे सीनियर काउंसिल से, काफी हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन से इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हेल्दी डिस्कशन किया, बट सबका अलग अलग ओपिनियन आया। सभी ने अपने जुडिशियल माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मुझे ले डाउन किए। सो फाइनली वी रीच एट 3 स्टेट्स ऑफ माइंड, और वी कैन से दैट वी आर इन 3 स्टेट्स ऑफ माइंड। तो इन हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी के ओपिनियन जानने के बाद हम 3 व्यूज पे पहुंचे। नंबर 1, कुछ लोगों का कहना यह था गौतम नवलखा केस की जो जजमेंट है, इस जजमेंट ने कहीं भी ये क्लेरिफाई नहीं किया कि जो हाउस अरेस्ट का पीरियड है हम इसे 60 या 90 दिनों के पीरियड को कंप्यूट करते समय कैलकुलेट करेंगे या नहीं। इस जजमेंट ने यह तो कहा कि हम एक्यूज को सेक्शन 167 सीआरपीसी में पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के अलावा हाउस अरेस्ट दे सकते हैं, लेकिन क्या इस हाउस अरेस्ट का पीरियड 60 या 90 दिनों के पीरियड को कंप्यूट करते समय कैलकुलेट किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया। सो हाउस अरेस्ट पीरियड शुड बी काउंटेड और नॉट विल बी क्लैरिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो कुछ लोगों का कहना यह था। सेकेंड व्यू इज, अब कुछ लोगों ने यह कहा कि इट इज नॉट अ रिजिड रूल दैट इन एवरी केस हाउस अरेस्ट पीरियड शैल बी काउंटेड इन 60 or 90 डेज, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं है, ऐसा कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि हर केस में हाउस अरेस्ट का जो पीरियड है ये 60 या 90 दिनों के पीरियड को कंप्यूट करते समय कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो है केस टू केस वेरी करेगा। ठीक है, अब थर्ड ओपिनियन पे आते हैं जी। अब कुछ हाईली क्वालिफाइड एडवोकेट्स का कहना यह था
कि हाउस अरेस्ट पीरियड शैल बी काउंटेड इन 60 और 90 डेज। बेशक से हम एग्री करते हैं कि इस केस में गौतम नवलखा के 34 दिन के हाउस अरेस्ट के पीरियड को 60 या 90 दिनों में कैलकुलेट नहीं किया गया था, लेकिन यह एक एक्सेप्शनल केस था। हाउस अरेस्ट के पीरियड को 60 या 90 दिनों के पीरियड को कंप्यूट करते समय कैलकुलेट किया ही जाएगा, यह एक एक्सेप्शनल केस था, इसलिए हमने इस केस में गौतम नवलखा के 34 दिन के हाउस अरेस्ट के पीरियड को 90 दिनों में कैलकुलेट नहीं किया। अभी एक्सेप्शनल केस कैसे था इसको समझ लेते हैं एक बार। इस केस में हाउस अरेस्ट का पीरियड इसलिए काउंट नहीं किया गया था क्योंकि देखो होता क्या है, 60 90 दिनों का जो पीरियड है वो कब काउंट किया जाता है, जब 21 को रिमांड दे दी जाती है ना। बट द थिंग इज, इस केस में रिमांड ही नहीं हुई थी, समझ में आ रही है। इस केस में क्या था, ज्यूरिसडिक्शन थी महाराष्ट्र की एज द ऑफेंस वॉज कमिटेड देयर, बट जो गौतम नवलखा जी थे वो कहां थे, वो दिल्ली में थे। तो फिर इस केस में रिमांड ट्रांजिट करना था। रिमांड ट्रांजिट मींस आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, जहां ज्यूरिसडिक्शन बनती है आप वहां अपीयर हो जाइए, देयर आफ्टर पीरियड ऑफ 60 और 90 डेज विल बिगन। बट इस केस में क्या हुआ, रिमांड इन ट्रांजिशन की जो पिटीशन थी उसको स्टे मिल गया, वो जो पिटीशन थी वो स्टे कर दी गई। तो जब रिमांड ट्रांजिट का ही स्टे हो गया, दैट मींस रिमांड ही ऑर्डर नहीं हुआ, तो इसलिए गौतम नवलखा जी जब वो घर में रह रहे थे उनका जो हाउस अरेस्ट का ड्यूरेशन था वो 60-90 दिनों के पीरियड में कैलकुलेट नहीं किया गया। सो रिमांड नहीं हुई तो इसलिए हाउस अरेस्ट का पीरियड काउंट ही नहीं किया गया। तो इसलिए कुछ लोगों का कंक्लूजन ये था कि हाउस अरेस्ट का जो पीरियड है इट शैल बी काउंटेड इन 60 और 90 डेज। हाउस अरेस्ट पीरियड शैल बी काउंटेड इन 60 और 90 डेज एवरी टाइम व्हेन द पर्सन इज इन हाउस अरेस्ट आफ्टर द रिमांड ऑर्डर। ठीक है, जब पर्सन रिमांड ऑर्डर के बाद हाउस अरेस्ट में रहता है तो फिर ऐसे केस में जो हाउस अरेस्ट का पीरियड है वो 60 या 90 दिनों के पीरियड में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो एज पर माई पर्सनल व्यू मेरे को जो थर्ड ओपिनियन था ये काफी हद तक सही लगा। बाकी अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपके नोन में कोई सीनियर एडवोकेट है, कोई अच्छा क्रिमिनल एडवोकेट है, कोई अच्छी फैकल्टी आपके आसपास रहती है, आपसे टच में है, आपके कॉन्टैक्ट में है, तो आप उनसे पूछ के मुझे कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर इशू का आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखो एक केस के फैक्ट्स है, आप एक बार इनको रीड कर लेना, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहां प्रेजेंट कर दिया है। केवल 2 स्लाइड है इसकी, एक स्लाइड ये है और एक स्लाइड ये है। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लेना तो इससे क्या होगा, एक रफ आइडिया आपको इस केस को लेकर मिल जाएगा। तो आई गेस ये जो भीमा कोरेगांव केस है, इस केस के सभी मेटेरियल इश्यू से हम डील कर चुके हैं। और देखो चूंकि ये एकदम लेटेस्ट जजमेंट है तो इस केस से रिलेटेड प्रिलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर केस को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यह है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा, बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।